का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। तो आज की रेसिपी को शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि दही के क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहले तो दही हमारे दांतों और हड्डियों को स्ट्रांग बनाता है, दूसरी बात वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्ट्रांग बनाता है, और तीसरी बात वो हमारे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है जो हमें डिसीजेस से लड़ने में मदद करता है और बैक्टीरिया और इन्फेक्शन को दूर रखता है। तो इसके वजह से आपको दही का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो दही को पसंद नहीं करते और उसका सेवन नहीं करते, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दही को पसंद करते हैं और उसका सेवन अपने रोज के इस्तेमाल में करते हैं। तो आपको भी दही का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, और आज की रेसिपी हम उसके ऊपर ही बना रहे हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करके सपोर्ट जरूर दीजिएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे पैकेट वाला दही लिया है, और टमाटर लिए हैं, और प्याज को कट करके ले लिया है, और यहाँ पे छोटे छोटे जो करी पत्ते आते हैं वो लिए हैं मैंने, कोतमरी ली है, और यहाँ पे जो चिल्लीस है उसके बीज निकाल के उसको कट कर दिया है मैंने। अभी हम एक बर्तन ले लेते हैं और उसमें जो पैकेट वाला दही मैंने जो लिया है वो डाल देते हैं। मैंने पैकेट वाला दही इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि घर पे कभी कभार जो दही होता है वो खट्टा हो जाता है, तो पैकेट वाला दही है वो हमें अच्छी कंसिस्टेंसी देता है और उतना खट्टापन भी इसमें नहीं लगता है, तो ये हमारे जो रेसिपी है उसके लिए परफेक्ट रहेगा। यहाँ पे मैं एक चम्मच से इसको फेंट रही हूँ, इसका मतलब ये है कि इस दही को हम पूरा मिक्स कर रहे हैं ताकि ये थोड़ा जो दही कंसिस्टेंसी ज़्यादा है वो कम हो जाए और ये थोड़ा छाछ के जैसे बन जाए। अभी मैं बता देती हूँ आपको कि हम क्या बनाने वाले हैं। हम जो पुलाव के साथ खाते हैं दही का, यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं, पर साउथ इंडिया में इसको हम मसरू भज्जी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा और पानी ऐड कर देती हूँ ताकि इसकी थिकनेस कम हो और हमें हमारा मसरू भज्जी का जो दही है वो ठीक से छाछ के जैसे मिल जाए। नॉर्थ इंडिया में नॉर्मली हम रायता बनाते हैं, पर ये रायते की जैसे ही है, पर इसमें तड़का नहीं लगाया जाता है और इसमें जो हरी सब्जी होती है वो डाली जाती है, और इसको बहुत सारे चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सकता है खाने पीने के लिए एक साइड डिश के जैसे। तो यहाँ पे मैंने अपने दही को फेंट लिया है अच्छे से, और अभी हम इसमें डालेंगे हमारी हरी सब्जियाँ जो है मिर्ची, जिससे हमने बीज निकाल लिए थे। इसके बाद में मैं डाल रही हूँ टमाटर। बहुत सारे लोग इसमें ककड़ी भी डालते हैं पर मुझे टमाटर काफ़ी लगते हैं तो मैं इसमें ककड़ी ऐड नहीं करती हूँ। अभी मैं डाल रही हूँ इसमें प्याज, जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। उसके बाद में मैं डाल रही हूँ अपने छोटे छोटे करी पत्ते जो मैंने छोटे ही लिए हैं, आप चाहे तो करी पत्ता किसी भी साइज़ का ले सकते हैं, उसमें कोई हर्जी नहीं है। उसके बाद हम अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे हमारे दही के साथ। जैसे कि मैंने कहा था इसमें ककड़ी भी डाली जाती है, मेरे पास अभी तो थी नहीं प्रेजेंट में तो मैंने नहीं डाली है, आप अगर ककड़ी खाना पसंद करते हो तो इसमें वो भी डाली जा सकती है। हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो हमारी कंसिस्टेंसी है दही की वो सब्जियों से ज़्यादा रहे और उसकी थिकनेस थोड़ी कम रहे। यहाँ पे अभी मैं ऐड कर रही हूँ नमक, और आप नमक स्वाद अनुसार ही ऐड कीजिएगा, ज़्यादा सॉल्टी हो गया तो बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा, तो आप अपने हिसाब से नमक डालिएगा। आपको अगर ज़्यादा सॉल्ट पसंद हो तो ज़्यादा डालिएगा, वरना पहले फीका ही रहने दीजिएगा। उसके बाद में मैं जो धनिया पत्ता है या फिर यहाँ पे जो लोग कोतम्बरी बोलते हैं वो भी इसको कट करके अच्छे से इसके अंदर डाल देती हूँ, और डालने के बाद एक चम्मच लेंगे और उसको फिर से इस दही के साथ अच्छे से मिला देंगे। आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो दही की कंसिस्टेंसी है वो ना ज़्यादा गाढ़ी हो ना पतली, बस इसी तरह की कंसिस्टेंसी बनी रहे, और हमारा मसरू भज्जी जो है वो बनके हो चुका है तैयार, और इसको हम एक साइड डिश की तरह अपने पसंदीदा खाने के साथ सर्व कर सकते हैं। हम मोस्टली इसको पुलाव के साथ सर्व करते हैं।